सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये सवाल 11th है 5.2 का। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सा टर्म होगा? मान लो लेट ए एन टर्म, लेट ए एन टी ए आर एम टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है ना, तो हमने मान लिया ए एन टर्म है ये, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले तो देखिए ए पी जो है हमारे पास, उसके हिसाब से पहले हम लिख लेते हैं। ऐसे गिवन ए पी हमारे पास क्या है, 3, 15, 27, 39 ये है। ठीक है, आगे तक इस तरह। तो अब यहाँ पे ए इज कल टू कितना आएगा, ए इज कल टू तो 3 आएगा, डी इज कल टू कितना आएगा, 15 माइनस 3 यानी कि 12। ठीक है, इसके ए और डी ये वैल्यू की जरूरत हमें रहती है ज़्यादातर। अब इसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या था, विच टर्म ऑफ ए पी इतने विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि जैसे टर्म हमने मान ली थी ए एन। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए 54, इसमें देखो 132 मोर देन 54 टर्म प्लस 132, क्योंकि यहाँ लिखा है देखो विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, इसकी 54 टर्म में 132 ज़्यादा हो, तो वो टर्म ए एन मान ली थी हमने। अच्छा, अब इसको इधर ले आओ, तो ए एन माइनस ए 54 इजकल टू 132। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी, फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दो ए प्लस 53 डी इजकल टू 132। ए की वैल्यू कितनी है, 3। पहले इसको और लिख लें, चलो अब वैल्यू रख देता हूँ, सॉल्व भी कर लेते हैं एक मिनट, पहले एक लाइन और लिख दूँ मैं, माइनस ए माइनस प्लस माइनस 53 डी इजकल टू 132। अब वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू है 12, माइनस ए, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, माइनस 53 डी की वैल्यू हमारे पास है 12 इजकल टू 132। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस के 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 12 का इसमें 2 कर देते हैं, 12 एन माइनस 12 बन जाए 12, फिर 53 का 12 में 2 कर देते हैं, माइनस कितना आएगा देख लेते हैं, इतना आएगा इजकल टू 132। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 12 एन, और ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब माइनस 6 और 2 8, और 3 और 1 4, और ये 6। ठीक है, इजकल टू 132, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उधर, 12 एन इक्वल टू 132 माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 648। ठीक है, तो 12 एन इजकल टू 8 और 2 10 की 0 1 कैरी आई, 5 और 3 8, ठीक है, अब कोई कैरी नहीं, 601 7 कितना आ गया, एन इजकल टू कितना आ जाएगा, 780 अपॉन 12। ठीक है, 2 से काट लो पहले, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, 2 6 12, अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 3 3 3 9, 3 2 6, अब 2 से कैंसिल कर लो, तो देखो 2 6 12, 1 बचा ये 10 हो गया, 2 5 65 आ गया, तो विच टर्म यानी 65 टर्म आएगा, 65th टर्म आंसर आएगा इसका। ठीक है ना,